डियर फ्रेंड, हम सभी आज पढ़ने वाले हैं मेसनरी, और मेसनरी में बहुत कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। वन बाय वन हम अगर सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। तो वन बाय वन हम देखते जाते हैं कि मेसनरी क्या है। डेफिनेशंस की बात करें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट बॉन्डेड विथ मोर्टार, यूनिट बॉन्डेड विथ मोर्टार मतलब मोर्टार के साथ इसको बॉन्डिंग किया जाता है, उसी को बोला जाता है बिल्डिंग यूनिट। मतलब जो भी यूनिट लें, स्टोन ले सकते हैं, ब्रिक ले सकते हैं। जहाँ ये आगे बताया गया कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक मेसनरी, रेनफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी और कंपोजिट मेसनरी। ये टाइप के अलग अलग मेसनरी हैं जो हम आगे ये पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और पॉइंट मैंने क्या बोला कि डेफिनेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट बॉन्डेड विथ मोर्टार, बॉन्डेड किसे किया जाता है, मोर्टार से, ठीक है। आगे पॉइंट हम देख लेते हैं कि टर्म्स इन मेसनरी, कौन कौन से टर्म्स हैं इन मेसनरी में। तो पहला पॉइंट है कोर्स, कोर्स क्या होता है, ठीक है। तो कोर्स के लिए क्या बताएं कि इट इज़ अ हॉरिजेंटल लेयर ऑफ मेसनरी। मेसनरी का हॉरिजेंटल लेयर, मेसनरी यूनिट का हॉरिजेंटल लेयर को ही बोला जाता है कोर्स, ठीक है। द थिकनेस ऑफ कोर्स इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्टोन या ब्रिक प्लस वन मोर्टार जॉइंट की बात करें तो ब्रिक का जो थिकनेस होता है या स्टोन का थिकनेस होता है वो किसके इक्वल होता है, थिकनेस ऑफ कोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखें। हेडर की अगर मैं बात करूँ, अगर हेडर की बात कर रहा हूँ तो हेडर क्या होता है, द शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक और स्टोन। अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ इस तरीके का ब्रिक बनाऊँ, ठीक है, इस तरीके का अगर मैंने ब्रिक बनाया है, ये इस तरीके का ब्रिक बनाया, तो ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है, ये वाले फेस की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हेडर, ठीक है। ये वाले फेस की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हमारा हेडर। और ये वाला जो फेस होता है, ये फेस अगर आप देख रहे होंगे वो होता है स्ट्रेचर, ठीक है। ये वाला फेस स्ट्रेचर होता है। तो जो शॉर्टेस्ट फेस होता है ऑफ द ब्रिक और स्टोन का, उसको बोला जाता है हेडर, ठीक है। हेडर किसको बोला जाता है, समझ में आ गया। और स्ट्रेचर का जो लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक होता है, स्टोन का या ब्रिक का, उसको बोला जाता है स्ट्रेचर, ठीक है। आगे पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे आप फिगर पर देख सकते हैं कि ये वाला जो आप फिगर देख रहे हो वो हेडर है। इसके अपोजिट में भी इधर होगा, इस साइड में होगा हेडर, ठीक है। ये वाला जो फेस है वो स्ट्रेचर है, ठीक है, स्ट्रेचर फेस बोला जाता है। और ये जो एज आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है एरीज और एंगल, ठीक है। और ये वाला जो है, इसमें फ्रॉग बोला जाता है और इंडेंट बोला जाता है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो अपना नाम लिखते हैं, और ये बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए होता है, बॉन्डिंग के लिए ये बनाए गए रहते हैं। तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। आगे पॉइंट देख लेते हैं कि हेडर कोर्स क्या होता है, ठीक है। हेडर कोर्स, तो हेडर कोर्स क्या होता है, अ कोर्स ऑफ ब्रिक और स्टोन विच ऑल ब्रिक्स आर लेड इन हेडर। किसमें होते हैं, सभी हेडर में होते हैं, सभी ब्रिक्स जो होते हैं वो हेडर में लेड किए गए रहते हैं, रखे गए रहते हैं। स्ट्रेचर कोर्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे हेडर कोर्स था, तो स्ट्रेचर कोर्स में सेम है कि ये लेड किए गए रहते हैं स्ट्रेचर फेस में, ठीक है, स्ट्रेचर फेस में किए रहते हैं। कोर्स ऑफ ब्रिक स्टोन इन विच ऑल ब्रिक आर लेड इन स्ट्रेचर। फिर बेड की अगर मैं बात करूँ, तो बेड में अगर मैं इस फिगर की बात बताऊँ कि जो फिगर था, जो फ्रॉग पुट किया गया था, उसके जो अपोजिट में जो सरफेस आपका था, जिसको लोअर सरफेस भी बोला जाता है, लोअर सरफेस ऑफ ब्रिक और स्टोन इन ईच कोर्स, किसी भी कोर्स का जो लोअर सरफेस होता है, ब्रिक हो या स्टोन हो, तो उसको बोला जाता है बेड, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, ठीक है, बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं कि बॉन्ड है क्या। तो बॉन्ड के बारे में बताऊँ, अ सिस्टमैटिक ओवरलैपिंग और अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक और स्टोन इन वॉल, इसी को बोला जाता है बॉन्ड। सिस्टमैटिक ओवरलैपिंग और अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक और स्टोन इन वॉल को ही बोला जाता है। आगे हम यह फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से ये अरेंजमेंट किया गया है, किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि रो लॉक कोर्सेस है, ये रो लॉक कोर्सेस के लिए बताया गया है। और ये जो जिसके साथ ये बॉन्डिंग किया जाता है वो मोर्टार जॉइंट है,
फिर बाद में यहाँ पर अगर देख सकते हैं, ये इसको फ्रंट वाइथ बोला गया है, और ये नीचे जो किया गया है वो कंक्रीट फुटिंग किया गया है। फिर बाद में ये जो फेस आपको दिख रहे हैं, ये फेस जो दिख रहे हैं, ये देखिए ये फेस जो दिख रहे हैं इसको स्ट्रेचर कोर्स बोला जाता है, और ये जो फेस दिख रहे हैं देखिए शॉर्टर फेस वाला, उसको हेडर कोर्स बोला जाता है, स्ट्रेचर कोर्स और हेडर कोर्स। ठीक है, आगे हम बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे कि कैसी बॉन्डिंग कैसी अच्छी होती है, उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि क्वाइंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाइंस और क्यूंस में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो ये क्वाइंस जान सकते हैं। क्यूंस क्यूंस बोलते हैं, क्यूंस क्यूंस क्या होता है, तो क्यूंस आर मेसनरी ब्लॉक्स एट द कॉर्नर ऑफ द वॉल, कॉर्नर ऑफ द वॉल इस तरीके का बना रहता है, इस तरीके का क्यूंस होता है, ये ध्यान में रखना। क्वाइंस इस तरीके का होता है, इसका अगर डेफिनेशंस के तौर पर लिख सकते हैं कि क्वाइन जो होता है मेसनरी ब्लॉक होता है जो कॉर्नर वॉल के कॉर्नर में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैसे ये लगा हुआ है, कैसे इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये इसको बोला जाता है क्वाइंस। ठीक है, ये फिगर में आपने देखा। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं कि फेस क्या होता है। ठीक है, फेस क्या होता है, फेस के बारे में बात करूँ तो इट इज़ ए सर्फेस ऑफ वॉल एक्सपोज टू द वीदर, एक्सपोज टू वीदर को ये सर्फेस होता है फेस। बैक जो होता है, फेस की बात कर रहा हूँ मतलब जो बाहर की तरफ होता है, वेदर की तरफ होता है, वेदर की तरफ बाहर की तरफ अंदर की तरफ घर के अंदर की तरफ जो वॉल होता है उसको बैक बोला जाता है। इट इज़ इनर सरफेस ऑफ वॉल नॉट एक्सपोज टू द वेदर, जो वेदर के साथ कनेक्ट में नहीं होता है, फेस जो होता है वेदर के साथ कनेक्ट होता है उसको फेस बोला जाता है, इसको बैक बोला जाता है। फेसिंग की बात देख लेते हैं, फेसिंग क्या होता है, द मटेरियल यूज इन द फेस ऑफ द वॉल इज नोन एज फेसिंग, जो मटेरियल यूज किया जाता है फेस ऑफ वॉल, वॉल के जो फेस होता है उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको फेसिंग बोला जाता है। हर्टिंग की अगर बात करें तो इनर पोर्शन ऑफ द वॉल बिटवीन फेसिंग एंड बैकिंग, जो फेसिंग होता है और बैकिंग के बीच में जो भी इनर पोर्शन होता है उसको हर्टिंग बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, हर्टिंग बोला जाता है। आगे पॉइंट फ्रॉग को देख लेते हैं कि फ्रॉग है क्या, तो जो फ्रॉग है आपका वो फ्रॉग क्या है, इट इज़ एन इंडेंटेशन और डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ द ब्रिक मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ की फॉर द मोर्टार, ये स्ट्रॉन्ग के लिए भी फ्रॉग जो बनाया जाता है वो एक प्रकार का मतलब बॉन्डिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, और उसमें मार्किंग करने के लिए, जो मार्क करने के लिए भी यूज होता है। आगे देख लेते हैं, आगे पॉइंट है क्या है, जॉइंट, जॉइंट जॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि जॉइंट क्या होता है। तो जॉइंट जो होता है, जॉइंट की बात करें तो जंक्शन एडजेसेंट यूनिट ऑफ ब्रिक और स्टोन, एडजेसेंट यूनिट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन का जंक्शन जो होता है उसी को बोला जाता है जॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के जॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हेडर जॉइंट हुआ है, इसको बैट जॉइंट बोला जाता है, नीचे जो किया है वो बैट जॉइंट, और इधर जो किया गया है ये देख रहे हैं ये वाले जो जॉइंट किए हैं, ये वाले जॉइंट किए गए, ये जॉइंट जो हुआ है इसको हेडर जॉइंट बोला जाता है, और ये नीचे जो जॉइंट किया गया है, यहाँ पर नीचे जो जॉइंट किया है उसको बैट जॉइंट बोला जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट देख लेते हैं, आगे क्लोजर क्या होता है, ध्यान से देखिए क्लोजर क्या होता है। तो क्लोजर इट इज़ अ पोर्शन ऑफ ब्रिक कट लेंथ वाइज इन सच अ मैनर डैट इज़ वन लॉन्ग फेस रिमेन कट, वन लॉन्ग फेस रिमेन कट किया जाता है उसको क्लोजर बोला जाता है। क्लोजर क्लोजर जो लंबाई में कट किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ ब्रिक बनाया, ठीक है ये ब्रिक बनाया, ये देख रहे हैं आप ब्रिक हैं, ठीक है ये ब्रिक है, और ब्रिक को मैंने क्या कर दिया कि इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके से कट कर दिया, इस तरीके कटने पे क्या होता है कि लेंथ वाइज में दो पार्ट हो जाते हैं, इसको क्लोजर बोला जाता है, क्लोजर बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से क्वीन क्लोजर की अगर मैं बात करूँ, क्वीन क्लोजर, तो क्वीन क्लोजर में क्या होता है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग ब्रिक लेंथ वाइज इन टू टू पोर्शन, लेंथ वाइज जो कट किया जाता है लेंथ वाइज, इसी को क्वीन क्लोजर भी बोला जाता है, उसको क्लोजर भी बोला जाता है। ठीक है, उसी को क्लोजर भी बोला जाता है, उसी को क्वीन क्लोजर भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब दो पार्ट में कट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्लोजर, और क्वीन क्लोजर हो जाता है जो लेंथ वाइज में कट किया जाता है। ठीक है, जो अभी मैंने फिगर ड्रॉ करके बताया था। और किंग क्लोजर क्या होता है, दीज आर द पोर्शंस ऑफ ब्रिक ऑब्टेन बाय कटिंग ऑफ द ट्राइंगुलर पीस, ट्राइंगल पीस में कट किया जाता है बिटवीन द सेंटर ऑफ वन एंड एंड द सेंटर ऑफ द वन साइड, मतलब अगर फेस स्ट्रेचर का फेस को देखें उसके एक हाफ लेके और जो वेडर का फेस लें उसको हाफ लेके जो कट करके और जो पोर्शन निकाला जाता है उसको किंग क्लोजर बोला जाता है, किंग क्लोजर बोला जाता है। उसके बाद से वीवल्ड क्लोजर किसको बोला जाता है, वीवल्ड क्लोजर इंपॉर्टेंट है, वीवल्ड क्लोजर इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द ब्रिक इन विच द होल लेंथ ऑफ द ब्रिक इज वीवल्ड फॉर मेंटेनिंग हाफ विड्थ
वन एंड द फुल विड्थ आर्ट, मतलब एक तरफ विड्थ का हाफ होता है और दूसरी तरफ फुल लेंथ होता है। तो ऐसे जो कट किए जाते हैं उसको बोला जाता है वीवर्ड क्लोजर, बोला जाता है वीवर्ड क्लोजर। फिर बाद में मेट्रिक क्लोजर क्या होता है, आगे फिगर देख के भी बताएंगे कि मेट्रिक क्लोजर क्या होता है। इट इज़ ए ब्रिक हुज वन एंड इज कट स्पेल्ड और मेट्रिक फॉर फुल विड्थ। द एंगल इज द एंगल ऑफ स्प्ले मे वेरी फ्रॉम 45 डिग्री से 60 डिग्री तक होता है। यहाँ पे फिगर देख के बताया हुआ है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट काम। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये फुल ब्रिक है, ये वाला जो फुल ब्रिक है इसके लेंथ वाइज में कट किया गया तो क्यून क्लोजर बोला जाता है, हाफ क्यून क्लोजर। फिर बाद में ये भी क्यून क्लोजर लेकिन क्वार्टर है, ध्यान देना ये क्वार्टर है। फिर बाद में अगर आगे की पॉइंट अगर यहाँ पर देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो देखिए ये लेंथ वाइज में हाफ कट किया है और यहाँ से विड्थ में ये हाफ कट करके ये जो पोर्शन निकाल देते हैं तो इसको किंग क्लोजर बोला जाता है। बीवेल्ड क्लोजर में मतलब विड्थ से हाफ और लेंथ में पूरा ये जो कट करके निकालते हैं इसको बेवल्ड क्लोजर। मेट्रेड में देखिए यहाँ से 45 डिग्री यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है, इस तरह से कट किया जाता है हेडर की तरफ से, तो उसको मेट्रेड क्लोजर बोला जाता है, मेट्रेड क्लोजर बोला जाता है। फिर बैट्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैट्स से रिलेटेड और एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो देख लीजिए बैट क्या होता है, बैट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैट्स ठीक है। इट इज़ द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ, देखिए विड्थ के अक्रॉस में कट किया गया है, विड्थ के अक्रॉस में कट किया गया लेकिन अलग अलग नाम है, इसको हाफ बैट बोला जाता है, इसको थ्री क्वार्टर बैट बोला जाता है, इसको बेवल्ड बैट बोला जाता है। ध्यान रखना नाम, हाफ बैट, थ्री क्वार्टर बैट और बेवल्ड बैट, ध्यान देना ये बैट होता है, बैट। फिर उसके बाद से आ जाता है थ्रू स्टोन, स्टोन की बात कर रहे थे, स्टोन की बात करें तो स्टोन, थ्रू स्टोन की बात करें तो अ बॉन्ड स्टोन डैट एक्सटेंड थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ द वॉल, फुल थिकनेस ऑफ द वॉल। जैसे देखिए यहाँ पर कूप है, उसमें फीलिंग है, फेस है, थ्रू है, फीलिंग है, थ्रू है, फेस है, इस तरीके से बॉन्डिंग जहाँ बनती है। जैसे यहाँ पर ये देखिए बॉन्ड, हेडर बॉन्ड की तरह ये बनाया गया है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। फिर क्या होता है सील, सील क्या होता है, सील बहुत इंपॉर्टेंट है, सील को देख लीजिए। सील क्या होता है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्टोन कॉन्क्रीट और वुड एम्प्लॉयड फॉर ए पर्पज ऑफ सेडिंग ऑफ ए रेन वाटर फ्रॉम द फेस ऑफ वॉल इमिडिएटली बिलो द विंडिंग ओपिनियन, उसको बोला जाता है सील, ठीक है। सील लेवल उसी को बोला जाता है, बिलो द जो आपका बिलो द विंडो बोल सकते हैं, बिलो द विंडो, विंडो का जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो सील लेवल होता है, सील बोला जाता है, ठीक है। और वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है आगे इसमें मैंने बता दिया, ठीक है। फिर बाद में टू टाइप्स ऑफ सील होते हैं, ये देखिए स्टैंडर्ड होता है, प्रीमियम होता है, यहाँ पर बताया हुआ है, इस तरह का स्टैंडर्ड होता है, इस तरीके जो बना रहता है ये, और ये प्रीमियम होता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिंटल की बात किया है, तो लिंटल जो होता है हमारा डोर का जो ऊपर वाला पर्सन होता है ऊपर, उसको बोला जाता है लिंटल, लिंटल लेवल बोला जाता है, ठीक है। और उसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्टोन ब्रिक वुड आयरन आरसीसी यूज टू सपोर्ट द मशीनरी और लोड अबव द ओपनिंग, ओपनिंग के ऊपर की जो लोड होता है उसको सपोर्ट देने के लिए ये लिंटल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिंटल, डिंटल, लिंटल बोला जाता है, अलग अलग तरीके से किया गया है। उसके बाद से प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल कोर्स ऑफ स्टोन ब्रिक प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वॉल अबव ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, और जो आपका बेस वॉल होता है उसके जो लोअर पोर्शन होता है वो सपोर्ट के लिए प्लिंथ का यूज़ किया जाता है। इट इंडिकेट हाइट ऑफ द ग्राउंड लेवल अबव द नेचर ग्राउंड लेवल, इट प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द डैम्पनेस, डैम्पनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, डैम्पनेस ना हो, ठीक है, बिल्डिंग में डैम्पनेस ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्लिंथ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्लिंथ कोर्स क्या होता है, इट इज़ द टॉप मोस्ट कोर्स ऑफ द प्लिंथ मशीनरी, ये टॉप मोस्ट कोर्स होता है प्लिंथ मशीनरी का, ठीक है। आगे पॉइंट देख लेते हैं, आगे देखते लेते हैं, इस तरह से प्लिंथ प्रोवाइड किया जाता है, ये फिगर में आप देख रहे हैं। उसके बाद से स्ट्रिंग कोर्स क्या होता है, स्ट्रिंग कोर्स को देख लेते हैं, स्ट्रिंग कोर्स क्या है, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स ऑफ मशीनरी प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द फेस ऑफ द वॉल फॉर सेडिंग रेन वाटर ऑफ फेस, इट इम्पार्ट द एस्थेटिक अपियरेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इज जनरली प्रोवाइडेड एट द एवरी फ्लोर लेवल, पेज को प्रोवाइड किया जाता है, ये देख सकते हैं। उसके बाद से ये ब्लॉकिंग कोर्स है, इट इज़ अ टॉप मोस्ट कोर्स ऑफ द स्टोन मशीनरी, टॉप मोस्ट कोर्स होता है स्टोन मशीनरी का इमिडिएटली अबव द कॉर्निश टू द प्रिवेंट द टेंडेंसी ऑफ द कॉर्निश ऑफ ओवरटर्न, इट ऑल्सो एट द एस्थेटिक ऑफ द कॉर्निश, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, इस तरीके से
फिर जैम्स आता है, रिवील्स आता है, कॉर्निक्स आता है, ये पॉइंट थे। आगे देख लेते हैं कोपिंग क्या होता है। कोपिंग जो होता है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पोर्शंस होता है पैरापेट के ऊपर, जो पैरापुट जो होता है उसके ऊपर जो लगाए जाते हैं उसको कोपिंग बोला जाता है। जो कोर्स प्लेस अपन द एक्सपोज टॉप ऑफ द एक्सटर्नल वॉल टू प्रिवेंट द सीपेज ऑफ द वाटर, वाटर सीपेज ना हो उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। कॉर्बेल क्या होता है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द वन और मोर कोर्सेस ऑफ स्टोन और ब्रिक्स वन ऑफ द फेस ऑफ वॉल टू सर्व एज ए सपोर्ट फॉर वॉल प्लेट। फिर टूथिंग क्या होता है, ब्रिक अल्टरनेटिव प्रोजेक्टिंग एट द एंड ऑफ द वॉल इन ऑर्डर टू बी बॉन्डेड इन टू ए कंटिन्यूस ऑफ इट वैन द रिमाइंडर इज कैरीड आउट ऑफ। कॉर्बेल देख सकते हैं इस तरीके का कॉर्बेल होता है, फिगर में आप देख रहे हैं कॉर्बेल कैसा होता है, इस तरीके का जो प्रोवाइड किया जाता है कॉर्बेल बोला जाता है। इस तरीके का कॉर्बेल होता है, इस तरीके का कॉर्बेल, ये कॉर्बेल है, ठीक है, देख सकते हैं कॉर्बेल क्या होता है, ठीक है। फिर रैकिंग टूथिंग इस तरीके से होता है, रैकिंग या टूथिंग इसको बोल सकते हैं, ये रैकिंग टूथिंग ज्वाइंटिंग के लिए होता है। फिर ब्रिक मेसनरी में पढ़ने वाले कि ब्रिक मेसनरी क्या होता है, तो यहाँ तक मेसनरी वाला पॉइंट यहाँ पे देखा, कुछ टर्म्स थे जो छोटे छोटे पॉइंट थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। ब्रिक मेसनरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि उसके बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले, इतने सारे बॉन्डिंग होते हैं, ये सारे वन बाई वन हम इसमें फिगर में देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और सजेशन भी दें कि कैसे वीडियोस अच्छे से अच्छे आपको बना के प्रोवाइड कर सकें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड तक की, अब बहुत सारे सोशल मीडिया है वहाँ पर शेयर करें कि ताकि वो भी जो भी जहाँ तक नहीं पहुँच रही उनको मिले और वो इसका बेनिफिट ले सकें। सो मेरे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।